देयर इज अ क्वेश्चन, किसी किसी के सिर में जुएं क्यों हो जाती हैं? जुएं 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 देखी तुमने, किसी किसी के सिर में जुएं पड़ जाती है ना, बताइए कौन बोलेगा जुएं क्यों पड़ जाती है सिर में? जू जू जुएं होती हैं, जुआ जुआ जिसे बोलते हो तुम लोग, सिर में जुआ पड़ जाती है तो क्यों पड़ती है वो, कौन बताएगा? बस यही, जुआ क्यों पड़ती है कोई बता सकता है? चलो बताओ, अच्छा तुम बताओ। हाँ, जब वो गंदा रखते हैं सिर को, ठीक, नहाते नहीं है, मुंह को धुलते नहीं है, ठीक है, तो सिर में जुआ पड़ जाती है। इसलिए हमें रोज नहाना चाहिए, रोज सिर को साफ करना चाहिए, ठीक है। पिंग क्लैपिंग। और कौन बताएगा? हाँ बताओ दीपक। जब सिर में रेता भर जाता है, क्योंकि गंदा हो जाता है ना, और हम नहाते नहीं है फिर, तो वो रेता भी सड़ जाता है और उसमें जुएं पैदा हो जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्लैपिंग कर दीजिए भैया, बड़े लाजवाब जवाब दे रहे हैं बच्चे। हाँ हाँ बताइए अंजलि। मैल हो जाती है, सबसे बड़ा कारण तो यही होता है, जब हम नहाएंगे नहीं, बालों में तेल नहीं लगाएंगे, बालों में कंघी नहीं करेंगे, साफ सुथरा नहीं बन के रहेंगे, तो हमारे बाल गंदे हो जाएंगे। अंजलि के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। और कौन बताएगा? वेरी गुड, हाँ बताइए। कंघी से हाँ अब हम कंघी से बाल नहीं काटते बता रहे हैं, काटते यानी कि कंघी नहीं करते सिर में, ठीक। चलो हम नहा धो भी लिए, लेकिन हमने बालों में कंघी नहीं की, उलझे हुए पड़े हैं हमारे बाल, ठीक है, तो जुआ को मौका मिल जाता है गंदे उलझे हुए बालों में आने का, तो वो उसमें भी जुएं पड़ जाती है। बहुत अच्छे, क्लैपिंग कर दीजिए। सिट डाउन।